इंसिडेंट के बाद विक्रांत सर मुझसे बहुत नाराज हो गए होंगे ना। मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेंगे। आई थिंक मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए विक्रांत। आई शुड गिव यू वन मोर चांस। पर वो मुझे कितने चांसेस देते रहेंगे? मैं गलतियां करती रहती हूँ और वो उन्हें संभालते रहते हैं। आई थिंक यू रियली लव मी अ लॉट विक्रांत। एंड मे बी आई लव हिम टू। So it's decided. Tomorrow evening at Hotel Kingston, we celebrate our reunion. Push. Push. Come. अरे छोड़ दीजिए, वो वेट नहीं उठेगा, इस उम्र में तो नहीं उठेगा। पता है कुणाल, जितना स्ट्रॉन्ग मैं जवानी में था उतना ही आज हूं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो वजन आज मैं उठा नहीं पा रहा, जवानी में भी नहीं उठा पाता था, बल्कि एक बार तो मेरा हाथ ही नीचे आ गया था। जवानी में गलतियां हो जाती हैं, जैसे कल उस बेचारी लड़की से हो गई। कुणाल, वो लड़की मुझे अच्छी लगी, गलती हो गई बेचारी से। हाँ दादाजी, गलती हो गई, सजा भी तो गलती की ही मिलेगी। लेकिन पुत्र, उसे फायर मत करना। हम कौन होते हैं फायर करने वाले, फैसला तो दादी ही करेंगी, मैं नहीं। ठीक है, इसका फैसला दादी करेगी, लेकिन पुत्र तुम्हारी जिंदगी के कुछ फैसले तो तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे। मतलब तुम्हारी शादी से पुत्र, अब तू शादी कर ले, सैकल फैमिली को एक बहू। दादाजी, आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? वैसे भी मेरी अब उम्र ही क्या है, जरा लाइफ एंजॉय करने दीजिए। हाँ दादाजी। और जब वक्त आएगा शादी हो जाएगी। ओए पुत्र, तेरा वक्त आते आते कहीं मेरा वक्त ना खत्म हो जाए। दादाजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपको हम सबके साथ और 200 साल कसरत करनी है। ये मस्कर गाना बंद कर पुत्र। कुछ नहीं भाभी जी, मैं कल के हंगामे के बारे में सोच रही थी। हाय हाय, एक मिनट के लिए तो मैं कितनी डर गई थी पता है। एंगेजमेंट सेरेमनी मेरी बेटी की, और पता नहीं वो कौन पागल लड़की नाचे जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मम्मी जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मुझे भी थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही थी। उस लड़की का नाम क्या था? अरे गुजराती थी, उसका नाम था नम्रता मथुरिया। ओहो, तो वो भी गुजराती थी, तभी तो उसकी इतनी तरफदारी की जा रही है हनी बंस। सबके सामने हमारी नाक कटा दी। हमारी ही कंपनी की मामूली सी इम्प्लॉई ने आकर हमारे घर में पार्टी को स्पॉइल कर दिया। मैं अगर मम्मी जी की जगह होती ना, तो सबके सामने मैं उसे दो चांटे लगाती। हाँ तुम तो यही करती, मगर तुम्हें क्या लगता है वो बच जाएगी? मम्मी जी का गुस्सा नहीं मालूम क्या? बच्ची है बेचारी, होगी गलती, मेरे ख्याल से उसे माफ कर देना चाहिए। माफ कर देना चाहिए? क्यों हनी बंस, क्यों माफ कर देना चाहिए? उसे तो उसकी औकात याद दिला देनी चाहिए। यही प्रॉब्लम है इन गरीब लोगों के साथ, ऐसी क्लासी पार्टीज में आ तो जाते लेकिन इन्हें प्रॉपर बिहेवियर नहीं आता। अब क्या होगा उसके साथ? वो तो अब मम्मी जी डिसाइड करेंगी। गुड मॉर्निंग हनी बंस। आई एम सॉरी मम्मी जी, हम अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मम्मी जी, आपने कुछ डिसाइड किया उस लड़की के बारे में क्या करना है? उसे कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो देनी चाहिए मम्मी जी। ऐसे लोगों के बारे में सोचने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है, और वैसे भी पनिशमेंट उन्हें दी जाती है जो अपने हों। मम्मी जी, वो मैं क्या कह रही थी, शीज सॉरी मम्मी जी। थैंक गॉड, बच गई बेचारी। सॉरी हनी पंस। देखो निम्मो, रेजिग्नेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तुम्हें। सर आप समझते क्यों नहीं, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे लिए इस ऑफिस में काम करना इज नॉट पॉसिबल, एंड आई एम रियली अशेम्ड ऑफ माय सेल्फ। निमो ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मैंने सब संभाल लिया, तुम आराम से यहाँ काम कर सकती हो। नहीं सर। देखो निमो, मैंने क्या दिया ना, दिस इज इट, ये रहा तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर, प्लीज कीप इट विद यू, और तुम यहीं काम करोगे बस। देखो निमो, तुम ये जॉब छोड़ने की सोच भी नहीं सकती हो, तुम सिर्फ मेरी पीए नहीं हो सर, यू स्पेशल निम्मो, वेरी स्पेशल। देखो
आज शाम को तुम मेरे साथ होटल किंगस्टन चलोगी। मुझे तुमसे कुछ स्पेशल बात करनी है। I think you should be prepared for a shock. Okay? Nimmo, you're just too much. अरे, इसमें मेरी क्या गलती है? It's just my bad luck, क्या? ज़्यादा justification देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है, ये तेरा bad luck नहीं, कुछ और है। कुछ और? स्वाति, तेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है, जो निम्मो आईने की तरफ देखती भी नहीं थी, अब उसने आईने से दोस्ती कर ली है। अपने कपड़े चूज करने में घंटों लगाती है। And you know, कहते हैं, जो सपने देखते हैं, वो खराटे नहीं लेते। By the way, you've stopped snoring. क्या? सच में? जैसे तुझे पता ही नहीं। वैसे मुझे पता है तो किसके ख्यालों में खोई रहती है? किसके? वही तेरे विक्रांत सर। I'm sure the two of you are having an affair. अभी तक तो कुछ भी नहीं है। What? What did you say? मेरा मतलब स्वाति, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं निमो, योर सीक्रेट इज आउट। मतलब कब प्रपोज किया तेरे विक्रांत सर ने तुझे? हाँ, आज शाम को करने वाले हैं। What? आज शाम को? हाँ, शायद आज उन्होंने मुझे डेट पर बुलाया है और कहा है कि वो मुझसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं। Wow, Nimmo, all the best. I wish you are happy. Thank you so much, Swati. I love you so much. ये मुझसे नहीं। अरे Nimmo, मैं क्या बात है, आज बहनों में बड़ा प्यार हो रहा है। वो तो है पापा। पापा, आप मुझसे एक बात बताइए। अगर मुझे कभी आपकी जरूरत पड़ी तो आप मुझे सपोर्ट तो करोगे ना? हाँ, करूंगा। पापा, अगर मुझसे कभी गलती हो गई तो आप मुझे माफ भी कर दोगे ना? ये कर दूंगा, लेकिन ये बात क्या है? पापा, so happy, I love you so much. Bye, bye, Swati. अरे मेरी बात तो सुन। मुझे कहीं जाना है, मैं आपसे बाद में आके मिलती हूँ पापा। ये इसे हो क्या गया? I don't know. Yes, ma'am. वो मैं किसी का वेट कर रही हूँ। निम्मो, नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे विक्रांत का फोन आया था तो मैं यहाँ पे आई हूँ। एक्चुअली नैना, वो क्या है ना कि विक्रांत सर आज मुझे प्रपोज करने वाले हैं। उन्होंने सोचा होगा अगर मैं मना कर दूं तो उनकी सिफारिश करने वाला कोई तो चाहिए ना। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड यू हियर। और देखो ना नैना, विक्रांत सर भी जानते नहीं कि मैं उन्हें कितना लाइक करती हूँ। आई रियली लाइक हिम सो मच एंड ही इज ऑलवेज बीन नाइस टू माई सिस्टर्स। देखो, स्वाति की जॉब भी तो उन्होंने वापस दिलवाई थी ना। और तो और, ही इज बीन नैना, तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? आई एम रियली सॉरी नैना कि मैंने तुम्हें विक्रांत सर और अपने बारे में कुछ नहीं बताया। एनीवेज, देखो नैना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो क्या है ना, मैं कुछ बढ़ लेकिन Hey guys, you already have great. विक्रांत, I need to talk to you. I know, even I want to talk to you, but चलो एक काम करते हैं, पहले कुछ खाते हैं, बैठते हैं, कम ना। लेकिन सुनेंगे, लेकिन पहले तुम बैठो। Come on, I'm all set. Come on, नैना, पहले विक्रांत सर को बताने दो ना, वो जो भी कहना चाहते हैं। बिल्कुल, निम्मो इज एब्सोल्युटली राइट, पहले मैं कहूंगा, राइट निम्मो? लेकिन सर, नैना को बताने की क्या जरूरत थी? मैं खुद ही आ जाती सर। निम्मो, मैं चाहता था जब मैं तुम्हें ये बात बताऊं, नैना तुम्हारे साथ हो। बिकॉज आई रियली 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 लव नैना। निम्मो, कॉलेज में हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हमारे बीच दूरियां आ गईं। और यू नो, और मैं तब से यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं नैना को अपनी जिंदगी में वापस ला सकूं। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट।
सेट बैठो ना निमो। तुम्हें पता है पिछले कितने दिनों से मैं तुम्हारी बहन को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मानती नहीं। तुम तो जानती हो तुम्हारी बहन है, लेकिन फाइनली मान गई और कल से वी आर फाइनली बैक टुगेदर, राइट? निमो, इस सब में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है ना? और ये बात मैं तुम्हें नैना के सामने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि निमो, हमें तुम्हारा साथ चाहिए। तुम हमारे साथ हो ना? Yes sir, I'm always there with you. Thank you. Naina, I think you're really very, very lucky. Very lucky. I'm so happy for you guys. मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। I think I should move. Nimmo, बिल्कुल नहीं। तुम बैठो यहाँ पे। Nimmo, I don't. Nimmo, तुम वापस आओ। Just sit here, Nimmo. क्या? Naina, you have the sweetest sister. I love her. बहुत sweet है। हर बार मेरी जिंदगी के साथ मजाक करके तुम्हें क्या मिलता है, मगर आज ये तुमने जो मजाक किया है वो बड़ा ही घटिया था। I hate you. तुम्हें क्या लगता है मैं टूट जाऊंगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है मेरी आंखों में आंसू हैं? नहीं, मेरी आंखों में जरा भी नमी नहीं है। आंखों को क्या, तुमने तो मुझे पूरा की पूरा भिगा दिया। लोग कहते हैं कि ईश्वर जब रोता है तो बरसात होती है, बट यू नेवर नो, इट कुड बी द टीयर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। गम के एनवलप में खुशियों का खत हो, ये कोई जरूरी तो नहीं। और अगर नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। प्रोजेक्ट एकदम फुल प्रूफ है, पूरी डिटेल्स मेरे पास है। सुन, तुम तो पूरी भीग चुकी हो, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? सबसे पहले सर पोछो और कपड़े बदल लो। हाँ सुन, स्वाति, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि निम्मो के दिल में विक्रांत के लिए फीलिंग्स होंगी। मुझे सीरियसली नहीं मालूम था। And I'm sure she must be feeling really awkward. लेकिन तुझे कैसे पता? उसने मुझे खुद बताया यार। उसने मुझे खुद बताया कि विक्रांत उसे प्रपोज करने वाला है। और जब विक्रांत ने हमारे रिलेशनशिप के बारे में उसे बताया, तब मैं उसकी आंखों में साफ देख सकती थी। तो तूने ये सब उसे तब क्यों नहीं बताया? मुझे पता ही नहीं चला यार। क्या विक्रांत को ये सब मालूम है? नहीं, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि निम्मो उसको प्यार करती है। स्वाति, स्वाति मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक तरफ विक्रांत है जो इतना खुश है, और दूसरी तरफ निम्मो जो इतनी हर्ट है। तुझे पता है ना स्वाति, पिछले 10-15 दिनों से वो कितनी खुश है। लाइफ में पहली बार उसे किसी से प्यार हुआ, और मेरी वजह से। I don't know what to do. Seriously.